गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 10 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है और किस तरह का माहौल बना हुआ है, रेटों में क्या उतार चढ़ाव है और आज किस किस राज्य से माल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जो है खराबी देखने को मिल रहा है प्याज में और कितना अच्छा क्वालिटी आ रहा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर ने आज कई लोट पलट रखा है, ज़्यादातर राजस्थान का ही माल देखने को मिल रहा है। ये लाल प्याज है और एक इधर जो है पिंक कलर में भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है जी, और बाकी उधर ज़्यादातर अभी जो है लाल कलर के प्याज का लोट पलटा हुआ है इनके पास। और देखते हैं सर से जानकारी लेते हैं आज जो है इनके पास कितना गाड़ी लगा हुआ है और किस तरह का इसमें जो है क्वालिटी देखने को मिल रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। सर जी आज क्या कुछ अरावल है मार्केट में, कितना ताज़ा गाड़ी है, कितना बैलेंस है, किस किस जगह का माल आ रहा है? 78 गाड़ी है। अच्छा, और 30-32 गाड़ी नीचे है। अच्छा, ताज़ा गाड़ी जो है 78 है। ताज़ा 78 में 30 गाड़ी कल की खड़ी है, 48 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी, 48 ताजी है। अच्छा जी, और बाकी सर? बाकी ऊपर नीचे मिला के 108 गाड़ी है। अच्छा, इसमें 20-22 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा जी, 24-25 गाड़ी MP है। अच्छा, 18-19 गाड़ी MP और नासिक और पूना है। अच्छा सर। हाँ जी। तो सर जी इस समय अगर बात करें जो क्वालिटी वाले प्याज का, तो मंडी में कुछ क्वालिटी वाले प्याज में सुधार देखने को मिला है? सुधार मिला था देखने के लिए। अच्छा, लेकिन कल परसों से फिर वही शिकायत डैमेज वाली। अच्छा, अंदर से वो जो गर्मी बढ़ गई ना। अच्छा, गर्मी जो बढ़ेगी त्यों तो डैमेज होगा। अच्छा, अंदर से जिसमें पानी खाया हुआ माल होगा वो अंदर से गलना स्टार्ट कर। हाँ, तो एक प्याज दो चार प्याज को और भी लेकर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज जो अपने पास काफी लोट पलटा हुआ है, किस किस जगह का माल है और इसमें टोटल राजस्थान है ये। अच्छा, मखानिया और कुचामन। अच्छा, मखानिया और कुचामन। हाँ, तो सर जी इधर से थोड़ा स्टार्ट कर। ये मखानिया है। अच्छा, तो इसका क्या बाजार है सर जी? 11 रुपए किलो का, 440 रुपए का। 11 रुपए किलो, 440 रुपए मन। हाँ जी। तो सर इसमें कुछ कमी देखने को मिला या फिर? नहीं, माल तो फ्रेश है ये। अच्छा, लेकिन एक दो दाना है थोड़ा सा पंचर दाना। अच्छा, एक दो दाना है ये शिकायत देखने। हाँ, और ये गोल्टा टाइप? ये कुचामन है, ये गोल्टा है, 9 रुपए किलो बिका है, 360 रुपए का। 360 रुपए। और इधर जो है सर जी? ये भी मथानिया है। अच्छा जी, इसका क्या बाजार है? ये 400 रुपए बिका है, 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। और आपके जो पीछे है सर इसमें थोड़ा, ये कुचामन है लेकिन ये डैमेज है। अच्छा, 6-6.5 रुपए किलो बिका है, 240-260। अच्छा, 240-260 रुपए मन। और इधर वाला सर? ये कुचामन की है, 520 रुपए बिका है, ये माल बढ़िया है। अच्छा, तो इसमें सभी तरह के मिक्स प्याज है? नहीं, ज्यादा मिक्स नहीं है, साइज इसकी अच्छी है, कलर पत्ती अच्छा है, दागी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो पर केजी क्या रेट पड़ गया सर जी? ये 13 रुपए किलो बिका है। 13 रुपए किलो। और सर जी आगे जो है दो लोट आपने पलट रखा है, तो इसका क्या बाजार है? आगे जो ये वाला है कुचामन है, इधर वाला? हाँ, ये 9 रुपए किलो बिका है, 360 रुपए का। 360 रुपए। और उसके बगल में जो है मथानिया है। अच्छा, ये वाला जो है मथानिया है, वो 500 रुपए बिका है। 500 रुपए। हाँ, मन मन यानी 12.5 रुपए किलो। अच्छा जी, साइज मोटा है वो। अच्छा, तो सर जी वही बात करें अगर दूसरे राज्यों का प्याज का, जैसे कि MP है, नासिक है, पूना बेल्ट है, तो उधर का प्याज का क्या माहौल है? जो MP का जो प्याज आ रहा है वो समझ लो आप 9 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए तक बिक रहा है। 9 रुपए किलो से लेकर के 14-15, यानी कि 360 रुपए से लेकर 600 रुपए में। अच्छा, मतलब बाजार जो है सामान ही खड़ा है जी। हाँ, थोड़ा पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में थोड़ा 1-1.5 रुपए टाइट हुआ है। अच्छा, अच्छे मालों को। अच्छे मालों। हाँ, और वहीं सर अगर बात करें महाराष्ट्र के पूना बेल्ट और जो है नासिक बेल्ट का, तो उसका क्या बाजार है? नासिक जो बिका है 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बिका है। अच्छा, और पूना जो बिका है 11-12 रुपए से लेकर 15-16 रुपए तक, 17 रुपए तक बिका है। अच्छा, हाँ। तो सर अभी जो माल आ रहे हैं वो जंगल के माल आ रहे हैं या फिर स्टोर? नहीं, मंडियों से माल आ रहे हैं जी। अभी जो भी माल आ रहा है वो पीछे प्रोडक्ट मंडियां है। अच्छा, प्रोडक्ट। हाँ, वहाँ से माल आ रहा है, अभी स्टॉक की प्याज नहीं निकल रही है। अच्छा, ज्यादा स्टॉक में भी लोग रखे भी नहीं है जी। हाँ जी। और जो डायरेक्ट जो जंगल वगैरह का माल है उधर से आ रहा है या फिर? 10% माल जंगलों से आता है। अच्छा, बाकी ज्यादा माल मंडियों से ही आता है। अच्छा, ज्यादा माल जो है मंडियों से ही आता है। वो भी जंगलों से वही प्याज आएगी, जैसे MP, राजस्थान जी, यहाँ से, बाकी तो सब मंडियों से ही माल आता है। अच्छा, तो सर जी जो प्रोडक्शन मंडी है सर, उस तरफ किस तरह का माहौल देखने को मिला, क्या कुछ मतलब क्वालिटी देखने को मिला? वहाँ भी यही समस्या है, हल्के और भारी में वहाँ भी यही दिक्कतें हैं। अच्छा, पीछे भी 4-5 रुपए से लेके 11-12-13 रुपए तक मार्केट है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसका रीजन यही है। अच्छा, तो सर जिस प्रेशर से यहाँ पे आजादपुर मंडी में जो है अराइवल है,
तो उधर भी इस तरह का प्रेशर है या फिर उधर मतलब नहीं, अराइवल वहाँ भी भरपूर है। अच्छा, अराइवल चारों तरफ भरपूर है, अराइवल में शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि माल कम नहीं है, माल तो भरपूर है ही, अराइवल में अराइवल शॉर्ट नहीं होगी। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो अभी बैलेंस रह रहा है मार्केट में, जो बैलेंस रुक रहा है, तो वो बैलेंस क्लियर हो पा रहा है या फिर नहीं? हो जाता है, 30-35 गाड़ी तो यहाँ 12 महीना बैलेंस रहता ही रहता है। अच्छा, 12 महीना रहता है। हाँ हाँ, 30-40 गाड़ी बैलेंस रहता है। अच्छा, तो सर जी आज जो टॉप से टॉप क्वालिटी जो मंडी के अंदर है, टॉप से टॉप क्वालिटी क्या रेट बिका होगा? 15 रुपए से 17 रुपए तक। अच्छा, टॉप से टॉप क्वालिटी जो वीवीआईपी माल है। हाँ, अच्छे में। और सर जी अभी रैक वगैरह से माल आ रहा है? नहीं, अभी रैक कहाँ आएगा। अच्छा, ये प्याज रैक में आएगी नहीं। अच्छा, ये तो फेंकना पड़ेगा रैक। अच्छा, लगेगा रैक में आएगा तो सड़ जाएगी। अच्छा, ये भी खत्म हो जाएगा, दम नहीं है ना प्याज में। अच्छा, हाँ जी, मैंने शायद सुना था रैक चलेगा, तो वो शायद आलू के लिए चलने वाला था या प्याज के लिए चलने वाला था? नहीं, आलू के बारे में तो मुझे खैर नहीं पता है, लेकिन प्याज में तो रैक आएगा ही नहीं, अभी रैक में प्याज आएगी नहीं। अच्छा, तो सर जी ये बांग्लादेश का भी बॉर्डर सुनने में आया, खुल गया है जी? हाँ, खुल गया, क्या रिपोर्ट है? खुल गया। अच्छा, तो उधर का क्या रिपोर्ट है सर जी? उधर अब 28 तारीख को बकरा ईद है। हाँ जी, तो हमें लगता है 28 तारीख के आसपास गवर्नमेंट फिर बैन कर देगी। अच्छा, एक्सपोर्ट फिर रुक जाएगा। तो क्या कुछ डिमांड? 1 महीने के लिए खुला है बस। अच्छा अच्छा, हाँ। तो डिमांड क्या कुछ देखने को मिला था? वो बॉर्डर खुलने के बाद 1-1.5-2 रुपए जो मार्केट अप हुआ है जी, उसी का रीजन है। बॉर्डर उधर खुला, इधर 1-2 रुपए मार्केट अप में आ रहा। अच्छा, हाँ जी सर, उधर मतलब जैसे कि उधर भी डिमांड होता है जो इतने 1000 कट्टे चाहिए या इतना टन माल चाहिए, तो इस बार कितना टन माल जाने वाला है उधर? कुल मिला के 70-80 गाड़ी माल जा रहा है। अच्छा, 80-90 गाड़ी, 70 गाड़ी, 80 गाड़ी, 90 गाड़ी। अच्छा, आसपास ऐसे। तो डेली का अराइवल है? हाँ, डेली। अच्छा, डेली जाता है। अच्छा, तो सर ये फिर बंद क्यों करेंगे, मतलब बंद करने का कारण? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को भी पता होगी कि आगे चल के कहीं प्याज में दिक्कत ना आए, क्योंकि प्याज सड़ बहुत रहा है। अच्छा, तो कहीं आगे दिक्कत ना आ जाए, शॉर्टेज ना पड़ जाए, तमाम बातें होती हैं। अच्छा, इसलिए शायद 1 महीने ये जून के बाद शायद फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हो सकता है बंद कर दे। अच्छा, मतलब जुलाई के बाद? जून के बाद। अच्छा, तो अभी तो जून चल ही रहा है? अभी जून चल रहा है, 28 तारीख को बकरा ईद है। अच्छा, हाँ, 28-29 को बकरा ईद है, मतलब बकरा ईद खत्म होते ही जो है बंद। हाँ, जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, हो सकता है गवर्नमेंट बैन कर दे फिर। अच्छा, हाँ। और सर जी वही बात करें नैफेड का, तो नैफेड अभी क्या कर रहा है? नहीं, अभी नैफेड खरीदारी भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो अभी सुनने में आया था नैफेड ने खरीदारी स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट किया था, लेकिन हर आदमी डर रहा है ना क्वालिटी से। भाई नैफेड की प्याज तो आढ़ती खरीदेगा, तो अगर हमें खुद लग रहा है प्याज नहीं रुकेगी, तो आदमी हाथ क्यों डालेगा उसमें? अच्छा, ये दिक्कत है। तो सर यदि अगर नैफेड अगर खरीदारी नहीं करेगा, अगर महंगाई होगा, तो फिर? नहीं, नैफेड तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे जब खरीदारी कर ले। अच्छा, हाँ, इनको क्या दिक्कत है? क्योंकि नैफेड खरीदारी स्टार्ट करेगा तभी जो है जाकर के किसान भाइयों को 2 पैसा ऊंचा मिल पाएगा। हाँ, ये भी बात है, जब थोड़ा हवा चलता है तभी हवा में ही थोड़ा जो पैसा मिलता है। बिल्कुल, तो हवा का माहौल होता है जी। नहीं तो इस बार तो सर कुदरत ने तो इनका बिल्कुल ही साथ नहीं दिया, और पिछले साल रेटों ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल, कुदरत ने ही मारा है जी, कुदरत ने तो मार दिया, बाकी देखो क्या होता है जी। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है जी, बिल्कुल देना लेना सारा कुछ। तो सर जी एक बार आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096 फोन नंबर 2122 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, मोबाइल नंबर 9311-1899-74। दोस्तों सर का जो है 12 महीने प्याज का काम है, किसी भी किसान भाइयों को कुछ भी जानकारी चाहिए हो या किसी को थोक में खरीदना हो, वो संपर्क करके सारा जानकारी ले सकते हैं।